गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की बात कर रहे थे और हमने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तो वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाए उसे क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। फाइन, इसके लिए हमने आपके पास एक कॉन्सेप्ट दिया था। अगर एक छोटी सी इक्वेशन लिखें, जैसे हम लिखें मान लीजिए 2a प्लस 3b गिव्स यू 4c, कुछ भी है, सो ओके। अब बात अभी रिएक्टेंट की हो रही है। मान लीजिए मेरे पास इसके हैं 20 मोल्स a के और b के हैं लेट्स से 40 मोल्स। आप में से कोई मुझे बता सकता है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? इसका हमने आपको एक मेथड बताया था। हमने आपसे कहा था ये जो है इसे कहते थे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। आप इसको डिवाइड कर दीजिए 20/2, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 40/3, ये आपका कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 13.33। तो जो भी छोटा है वो ही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहां से आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, तो इसी पे कुछ क्वेश्चंस आगे करते हैं। क्या वैसे कर क्या रहे थे हम लास्ट टाइम? अच्छा, वो एक एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कर रहे थे शायद, है ना? ओके, बिल्कुल बिल्कुल, उसी को देखते हैं। हाँ, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन था हमारे पास। रिएक्शन थी ए प्लस बी टू गिव्स यू ए बी टू। फाइन, ओके, ये हमारा एग्जांपल था और इसमें हमें लेट्स से कंडीशन दी गई है। हमारे पास 100 एटम्स हैं ए के और 100 मॉलिक्यूल्स हैं बी के। आपको अभी केवल यह बताना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, बाकी सब बात करें। चलिए देखें भाई, यहां पे क्या हो जाएगा 100/1, यहां पे क्या हो जाएगा 100/1। ये बात समझ में आई बेटा? हाँ, 2 से मत डिवाइड कर देना, ये 2 अलग चीज है, ये आपके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ये बता रहा है। तो मैंने आपसे कहा 100 एटम ए के हैं, 100 मॉलिक्यूल बी के हैं, तो दोनों इक्वल आ गए बेटा यहां पे। तो यहां पे आप कहेंगे नो लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आई? इस केस में कोई भी ऐसा नहीं है, रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, रिएजेंट भी। हाँ, तो एक स्टेप और आगे गए कि कभी ऐसा भी हो सकता, बिल्कुल बराबर बराबर है तो फिर लिमिटिंग की क्या बात, शुरुआत तो इसी से सीखी थी। ठीक है ना, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी का एक और एग्जांपल। ठीक है, हाँ, रिएक्शन यही है ए प्लस बी टू गिव्स यू ए बी टू, और अब मेरे पास है 5 moles ऑफ ए, 5 moles ए के दिए हुए हैं, और अच्छा बी टू है और बी टू के दिए हुए 2.5 moles। हाँ जी, आप मुझे बताएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बहुत आसान सा है, ठीक, ओके, बी लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे आया? 5/1, 2.5/1, यहां कोफिशियंट 1 है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि ए बी टू कितने बचेंगे और एक्सेस वाला कितना। हाँ, तो एक मिनट, पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट को टिक कर लेते हैं। कौन है ये? है आगे सबका। हाँ, 2.5 से छोटा है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसका मतलब लास्ट में ये क्या हो गया होगा? 0। बात समझ में आई? ये भाई 0 हो गया होगा आखिरी में। चलो, अब मुझे ये बताओ कि ए कितना बचा है। भाई 5 मोल तो था, कुछ रिएक्ट कर गया होगा, कितना रिएक्ट किया होगा
बिल्कुल सही बात। एक मोल बी एक मोल ए के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 2.5 मोल 2.5 के साथ रिएक्ट करेगा, इतना ए बच गया, 2.5 मोल ए बच गया। बात समझ में आई? अच्छा, Ab2 कितना बना? Ab2 कितना बना भाई? फिर से वही रेफरेंस किसको लेना है? लिमिटिंग को लेना है। एक मोल B2 से एक Ab2 बन रहा है, तो भाई ये मेरा हो गया 2.5 मोल। ये सिचुएशन मेरी आ गई कब? फाइनली जो मेरे पास, जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी, तो कुछ A2 भी बचा होगा और कुछ B तो नहीं बचा होगा, B2 तो खत्म हो गया, वो तो लिमिटिंग है, ठीक है, और Ab2 कुछ बन चुका होगा। बात समझ में आई? तो Ab2 5 मोल नहीं बनेगा, कितना बनेगा? 2.5। 5 मोल कब बनता? जब मेरे पास 5 मोल B2 होता। एक एग्जांपल लिखिएगा, एक रिएक्शन आपको दी हुई है, डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन मिलके आपकी अमोनिया बना रहे हैं, फाइन। आपको लिखना है फाइंड द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम, ठीक है, केजी में भी लिखा हो सकता है, बट अभी मैं ग्राम में लिख देता हूं, ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 1 × 10³ ग्राम्स ऑफ H2। ये समझ में आया? 2 किलो नाइट्रोजन थी भाई, 1 किलो हाइड्रोजन थी, दोनों रिएक्ट कर गए। आपको बताना है अमोनिया कितनी बची एंड विच गैस लेफ्ट एंड हाउ मच, ये और बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो चीज हम अभी पढ़ रहे थे ना, अभी हम ABCD करके कर रहे थे, अब वो हमारी एप्लीकेशन के फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नोट कीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, कोई जल्दी से मुझे बता सकता है इसमें कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है? हाँ, जल्दी से। कौन है? हाइड्रोजन है। देखो, ये पहली चीज होती है जो जल्दीबाजी में गलती हो सकती है। मैं जल्दी कहूं तब भी आपको कोई जल्दी नहीं करनी, मतलब मैं से मतलब है कि कोई भी आपसे कहे जल्दी कर दो जल्दी कर दो, ठीक है। हाँ, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है ये है, आपके पास नाइट्रोजन कितनी है? 2000 ग्राम भाई, मोल नहीं दिया हुआ है। और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? 1000 ग्राम। अगर आपने इसको 2000/1 और 2000/1 कर दिया तो आंसर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज भी है, एक और चीज भी है बेटा, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। तो पहला काम क्या है? फर्स्ट स्टेप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस द इक्वेशन। अरे भाई, आपकी इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है, कहां से कर दोगे? मान लो मैं मोल भी दे देता, 2 मोल 1 मोल के साथ, तब भी गलत कर जाते, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको इक्वेशन को बैलेंस करना। बैलेंसिंग आती है ना सबको, 10th में सीखी थी। क्या हो जाएगा? N2+ बोलो बोलो 3H2O, CH2 गिव्स 2NH3। चेक कर लो भाई, अब बैलेंस है इक्वेशन। तो पहला काम, फर्स्ट स्टेप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे, पहले आप बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, ये नहीं कि जो दिया हुआ आंख बंद करके उसको छाप दिया। पहली गलती ये होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर कहते हैं आंसर नहीं आता। अच्छा, अब देखिए, फिर आपको यहां पे इक्वेशन मोल्स के टर्म्स में दिखनी है, ठीक
तो यहां पे आप ऐसे गिवन मोल्स लिख लीजिए। फाइन, कोई बताएगा नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? पूरा सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 × 10³ डिवाइडेड बाय 28। ये बात समझ में आई? अरे 200 ग्राम N2 है, ओ 2000 ग्राम N2 है, तो 28 ग्राम से डिवाइड कर दो मोलर मास से, आपके मोल्स आ गए। यहां पे कितने हैं? 1 × 10³ किससे डिवाइड करूं? 2 से। बात समझ में आई कुछ? तो ये सेकंड स्टेप हो गया, पहला ये था, सेकंड स्टेप ये हो गया, मोल्स में कन्वर्ट कर लो तभी आगे बढ़ना, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पता है भाई ये मेरे पास इनिशियली मोल्स थे, ये इनिशियली है बेटा। अब चेक करो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, N2 है कि H2 है? सबके आंसर चेंज हो गए? हाँ, अब क्लियरली दिख रहा है कि भाई मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो N2 है। इसका मतलब H2 मेरे पास एक्सेस में है और H2 बच जाएगी। लास्ट में मेरे पास जो गैस बचेगी वो कौन होगी? H2। ओके, अब यहां पे लिख रहा हूं फाइनली थर्ड स्टेप, ठीक है। हाँ, एक स्टेप वैसे आप ये भी कह सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालने वाला, बट जो आपको कॉपी पे लिखना है स्टेप्स जो आपको देखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट तो निकालना ही है, ठीक है। ओके, फाइनली N2 क्या होगी, नाइट्रोजन क्या होगी? 0, नाइट्रोजन 0 होगी। अच्छा, हाइड्रोजन कितनी बचेगी थी? कितनी? 10³ / 2, कितने मोल थी? माइनस, हाँ जी, कितने मोल रिएक्ट की, किसके साथ रिएक्ट किए? नाइट्रोजन के साथ। तो अब आप किसके रेफरेंस लेंगे? ये 1 मोल के साथ 3 मोल रिएक्ट करते हैं, तो इतने मोल के साथ कितने रिएक्ट करेंगे? 2 × 10³ / 28 × 3, कितनों को ये बात समझ में आए? भाई मेरे नाइट्रोजन के ये जो मोल हैं कितने? 2 × 10³ / 28, इतने ही मोल तो थे मेरे पास, ये सब के सब रिएक्ट कर गए, तो इन्होंने कितने हाइड्रोजन के मोल खाए होंगे? 3 times, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितने थे? 10³ / 2। बात समझ में आई? ओके, अच्छा कितनी अमोनिया बनी मोल्स में? ये मोल्स हैं, ध्यान रखना ये मोल्स हैं, कितनी अमोनिया बनी? 1 मोल नाइट्रोजन से कितनी अमोनिया बन रही है? स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखो, 1 मोल से कितनी बन रही है? 2 मोल, बिल्कुल सही। तो अब कितनी बन जाएगी? ओके, 2 × 10³ / 28 × 2 मोल, ये बात कितनों को समझ में आ गई? जल्दी से मुझे कुछ रिप्लाई भेज दीजिए। आपको पता है कि भाई आपके पास कितने मोल है, हमें निकालना क्या था? NH3 कितनी प्रोड्यूस हुई? हम चाहें तो मोल्स में, अगर मोल्स में आंसर पूछा तो मोल्स में दे देंगे, अगर मोल्स में नहीं पूछा तो क्या लिख सकते हैं? इसको जरा सॉल्व कीजिए, देखिए आएगा 10³ / 7 मोल्स, ये आया क्या? देखिए 10³ / 7 मोल्स आया। ओके, अब इसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 10³ मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? NH3 के मोलर मास से, वो कितना है? ओके, 17 यहां पे लिख देंगे। बात समझ में आई? तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतने ग्राम, क्योंकि हमने सारे जो कैलकुलेशंस थे वो ग्राम लेते थे। अच्छा, इसी तरह से हाइड्रोजन लेफ्ट, इसके भी हमें मोल्स पता है, तो अगर मैं इसके मोल्स देखूं तो भाई मैं 10³ को इस तरह से कॉमन ले लेता हूं और ये मेरा हो जाएगा 1/2 − 3/14, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। आपने देखा ये आपका 4/14 × 10^3 मोल्स आया अभी, ठीक है, ग्राम मत लिख देना, ये मोल्स आया किसके हैं, H2 के। तो भाई इसका मास क्या हो जाएगा, इसी को यहां आगे लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 4/14 × 10^3 × 2, ऐसे लिख दूं, चेक कर लो। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, देखिए 2 से ये 7 हो जाएगा, ये आपका 0.57 × 10^3 ग्राम, 0.57 केजी ये बच जाएगी, और इसको अगर आप करेंगे तो ये आपका 2. कितना आ रहा है, 7 2.43 ग्राम, ओ, 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 ग्राम नहीं, 10^3 भी आएगा, ओके 10^3 भी है। हाँ चेक कर लीजिए ये कैलकुलेशन आपके एंड पे आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपके पास है Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, और साथ में आपने इसकी रिएक्शन करा दी बेरियम क्लोराइड के साथ, ये जाके आपको दे रहा है बेरियम सल्फेट। अभी मैं रिएक्शन दे रहा हूं आपको, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये भी पता चलने लगेगा कि क्या क्या बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, ये बन रहे हैं, ठीक। और आपसे कहा गया कि भाई आपके पास 6 मोल तो थे Al2SO4 होल थ्राइस के, और बेरियम क्लोराइड के थे 10 मोल। आपको मुझे बताना है मोल्स ऑफ BaSO4 आफ्टर द रिएक्शन, हाँ लिख लीजिएगा, मोल्स ऑफ BaSO4 आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है जी। हाँ ये आपसे मास भी पूछा जा सकता है, अगर मोल में जल गया तो आप जो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास भी पूछ सकते हैं, चलिए मास भी लिख देते हैं, और मास ऑफ BaSO4 जो भी आप बताना चाहें वो आपको बताना है, शुरू हो जाइए। ओके, अब इसको देखिए कि हमें सबसे पहले इसे बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो इसको आप बैलेंस करेंगे तो SO4 से देखिए यहां पे आप 3 लिख दीजिए, फिर यहां पे आप 3 लिखेंगे, ठीक है, तो आपके पास यहां पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, क्लियर है। अब आपको यहां पे दिए हुए हैं 6 मोल्स और यहां पे दिए हुए हैं 10 मोल्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे आप लिखेंगे 6/1 और यहां पे आप लिखेंगे 10/3, ठीक है, तो 10/3 आपका छोटा हो जाएगा, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, बस इसका काम इतना ही होता है डिवीजन वाला। अब फिर से शुरू करेंगे, इनिशियली आपके पास क्या था, इनिशियली आपके पास 6 मोल थे, यहाँ पे 10 मोल थे और ये आपके 0 0 थे, बात समझ में आई। फाइनली क्या हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएंगे, जो लिमिटिंग है वो 0 हो जाता है, ये कुछ बचेंगे, ये 6 माइनस समथिंग बचेंगे, पूछा नहीं इसलिए चिंता नहीं। अब यहाँ पे देखो रेफरेंस पॉइंट ये रहा, 3 से कितने मोल BaSO4 बन रहे हैं, 3BaCl2 से 3 मोल बेरियम क्लोराइड से 3 मोल बेरियम सल्फेट बन रहे हैं, तो आपके पास कितने मोल BaCl2 रिएक्ट किया, 10, तो भाई ये कितने बनेंगे, 10 मोल, कहानी खत्म, यही तो पूछा गया। अरे कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि लिमिटिंग कितना, और लिमिटिंग के हिसाब से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कैलकुलेट कर दे। अच्छा मान लीजिए मैं आपसे पूछता कि भाई मेरे पास एल्युमिनियम क्लोराइड कितने मोल बनेंगे, तो क्या होता, तो ये आ जाता बेटा 2/3 × 10, ये बात समझ में आई, 3 मोल कितने बना रहे हैं, 2 मोल, 3 मोल BaCl2, 2 मोल AlCl3 बना रहे हैं, तो 1 मोल 2/3 बनाएगा, 10 मोल 20/3 बनाएंगे, बात समझ में आई। अब आपसे कहा जाए मोल्स अगर पूछा तो 10 मोल आ गया,
और मास ऑफ, ये भी पूछा था ना मैंने, बेरियम सल्फेट। तो ये कैसे करेंगे, अगर आपको याद हो मैंने कहा था याद रखना बेरियम सल्फेट इज 233, ठीक है, बेरियम जो है वो 137 होता है और सल्फेट जो है वो 96 होता है, तो 233 आ जाएगा। 233 तो ये आपका आ गया 10 × 233 ग्राम, और ये मिलके आपका कितना हो जाएगा 2330 ग्राम। बात समझ में आई? अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने, हाँ क्वेश्चन ये है कि 13.6 ग्राम अमोनिया इज मिक्स्ड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड वेट ऑफ एनो फॉर्म। इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, सबसे पहले अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस कर लीजिए, ये इक्वेशन तो बैलेंस है। अब काम क्या करना है आपको, यहाँ पे 13.6 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 17 से, ये आपके मोल्स आ गए, ठीक, तो ये आपके 0.8 मोल हो गए, चेक कर लीजिए। ओके सबने सॉल्व कर लिया तो चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन आपके पास थी बेटा 32 ग्राम, इसको आप 32 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 मोल आ जाएगा आपका, 1 मोल ऑक्सीजन आई, और 1/5 करेंगे तो ओहो सॉरी 1 मोल यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और ये आपके 0 और 0 थे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब क्या है कि आपको चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आप कहेंगे 0.8/4 और यहाँ पे 1/5, और ये दोनों आपके 0.2 आ रहे हैं, चेक कीजिए, दैट मींस बोथ कंज्यूम्ड, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट जो भी आप कहना चाहें, फाइन। अच्छा अब दोनों कंज्यूम हो गए तो अब कहानी क्या बनेगी, ये वाली चीज तो अब हम उड़ा देते हैं, इसका काम हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट वाली चीज खत्म हो गई, ओके इसको हमने उड़ा दिया। अब ये जब दोनों कंज्यूम हो गए तो बाद में ये दोनों क्या बचे, 0 और 0 बचे, ठीक। अब देखिए 4 मोल अमोनिया से 4 मोल एनओ बन रही थी, तो यहां कितने कंज्यूम हो गए, 0.8 कंज्यूम हुए, तो यहां पे कितनी बन जाएगी, 0.8 मोल एनओ बन जाएगा। बात समझ में आई? अब आपके पास फाइनली 0.8 मोल होंगे, क्लियर है। कोई वाटर पूछे तो वाटर कितना बनेगा, वाटर बनेगा 6/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मोल, ये बात समझ में आई। 4 मोल अमोनिया से 6 मोल बन रहा, आप चाहो तो बिल्कुल इसको 5 से भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा, ठीक है। ये मैंने किससे किया था, अमोनिया को लेके। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप ऑक्सीजन को लेके करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन में आप क्या कहेंगे, ये तो 0 हो गया, ठीक है, 5 मोल दे रहा है 4, तो 4/5 × 1, ये भी आपका 0.8 मोल आएगा, वहां 4/4 × 0.8 था, यहां 4/5 × 1 है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का मेरे पास कितना मोल था, 1 मोल, और इसको देखेंगे तो ये भी सेम आना चाहिए, 6/5 × हाँ जी कितना रहा, 1, क्लियर, ओके। तो यहां से आप देखेंगे ये 1.2 मोल आ रहा है, यहां से आप देखेंगे तो ये भी 1.2 मोल आ रहा है, तो अगर दोनों कंज्यूम हो रहे हैं तो आप किसी भी एक को पकड़ के उससे सॉल्व कर लीजिए, बात समझ में आई। अच्छा हमें निकालना क्या था, हमें तो केवल इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो मास ऑफ एनओ इज 0.8 मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, एनओ कितना 30, चेक करो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, N14 और O16, अब ये याद करने पड़ेंगे बेटा, 24 ग्राम NO मेरे पास बन गई, कुछ बात समझ में आ रही है। देखिए मान लीजिए आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ओके 2A+5B gives you 6C+D, कुछ भी रिएक्शन दी जा सकती है, एक रैंडम सी रिएक्शन हमने ले लिया, ठीक है, और आपसे मैंने कहा कि भाई
टी टाइम में ये 2x रिएक्ट किए, 2x रिएक्ट किए बेटा, समझिएगा। टी टाइम में जो ए है वो 2x रिएक्ट किए, ठीक है, बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x मोल्स ऑफ ए, बात समझ में आई। अच्छा ये कितने रिएक्ट करेंगे, 5x करेंगे। अच्छा सी कितने बनेंगे, 6x, और डी कितने होंगे, एक्स। ये कितनों को बात समझ में आई, तो जब हमने मोल पढ़ा था कोई रिएक्शन लिखी थी तो पहली चीज आपको यही समझाई थी। अच्छा अब इसको यूज करना, मान लो मैंने तुमसे कहा कि भाई मेरे पास ये 12 मोल है टी इज इक्वल टू जीरो पे, इनिशियली 12 मोल है और इसके मैं आपको दे देता हूं 25 मोल, ठीक। अब देखना करना क्या आपको, हाँ आपका लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह सब कुछ आप सीख चुके हैं, अब इसको वो जो कितने बने वाली चीज है ना, अब देखना टी टाइम पर ये कितने बचेंगे, ए कितने बचेंगे। अच्छा यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं, इनिशियली ये जीरो है, ये भी जीरो है, सी और डी कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ जी टी टाइम पर कितने रिएक्ट कर रहे हैं ये मान लीजिए, तो जो कोफिशियंट है उसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, बात समझ में आ रही है, तो आप कहेंगे ये कितने बच गए, 12 माइनस 2x, बात समझ में आई। अच्छा बी कितने हो गए, बी कितने थे, 25, रिएक्ट कितने किए, माइनस 5x, ये हो गया। अच्छा अब ये कितने बन गए, 6x, और ये कितने बन गए, x, कुछ बात समझ में आई। जल्दी से मुझे बताओ लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग का तरीका वही है, लिमिटिंग का सबसे आसान तरीका आपको बता चुका हूं, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, t इज इक्वल टू जीरो पे मोल्स को कोफिशियंट से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, तो यहां पे आएगा आपका 6 और यहां पे आएगा आपका 5, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बी आया, लिमिटिंग रिएजेंट बी आया, ये समझ में आया। तो फाइनली ये किसके बराबर हो गया होगा, जीरो। अब मैथ्स आ गई देखो, ठीक है, यहां से आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 5, ओके। अब ये एक्स की वैल्यू बाकी सब जगह पुट कर दो, ए कितना बचा, 12 माइनस 2 इंटू 5, कितना बच गया, 2 मोल्स आया क्या, ये 2 मोल बच गया, देखो बात वही है लेकिन करने का तरीका बदल जाता है, यहां पे 6x था, कितना आ गया, 30 मोल ये बन गए, और ये कितना बन गया, 5 मोल, जो सी आपको कंफर्टेबल लगे, यूनिटरी मेथड कंफर्टेबल लगे या ये वाला लगे, हाँ प्रैक्टिस करा दूंगा अभी, चिंता मत कीजिए, और प्रैक्टिस करा दूंगा, पहले इसको नोट करो, नोट कीजिए बेटा। देखिए मेरा काम क्या है, मैं आपको सारी मेथड्स दूं, ठीक, उसके बाद में आपको जो इजी लगे, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो एक्स को इजी लग रहा है वो वाई को भी लगे, उसको नहीं समझ में आ रहा, नहीं है उसकी प्रैक्टिस, तो मैं तो आपको 2 मेथड 3 मेथड दे दूंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपको पकड़ में आ जाए बाकी मेथड को छोड़ दीजिए, तो हर एक मेथड को रटने की कोशिश मत कीजिए ना, और फिर प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन करें, मैं किसी भी मेथड से करा रहा हूं, आप उस जो मेथड में आपको कमांड है आप उससे क्वेश्चन कीजिए, बात समझ में। चलो एक और दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसी पे मान लीजिए मैंने आपसे कहा इक्वेशन फिर से है 2a प्लस 5b दैट गिव्स यू 6c प्लस d, और अब मैंने आपसे कहा कि भाई ये 6 मोल्स हैं और इसके 20 मोल्स हैं, ओके फाइन, अब जरा बता दो क्या, अच्छा नहीं ये तो ऊपर ही दिया था मैंने, ये तो ऊपर वाला ही, नहीं 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 ठीक है ये अगला है, उसमें 12 लिया था फाइन। पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए, फिर देखिए टी टाइम के बाद कुछ मान लीजिए कि इतना रिएक्ट कर गया, ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू निकालिए और वो रख दीजिए, आसान,
अब क्या हो गया? हाँ, ये मेथड तभी याद होंगे जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे बेटा। तो सबसे पहले आपने चेक किया भाई लिमिटिंग रिएजेंट, ये आपका आया 6/2 और ये आपका आया 20/5, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट ये रहा, ठीक है। अब आपने क्या लिखा, 6 - 2x, यहाँ पे आपने लिखा 20 - 5x, यहाँ पे आपने लिखा 6x और यहाँ पे आपने लिखा x। बात समझ में आई? सोच लो, ऐसा ही आ रहा है। अच्छा, जो लिमिटिंग है उसको क्या रख दो, 0। यही तो बात हुई, लिमिटिंग खत्म हो चुका है, ठीक। तो x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये कितनी आ गई, 18, और ये कितनी आ गई, 3। चेक करो जरा, आ गया सबका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट नोट कीजिए। अच्छा, इसी पे एक और चीज दिखाता हूं। ये है स्ट्रेंथ मोल की, चलिए एक और देखते हैं, फिर से रिएक्शन। आप रिएक्शन कोई भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि एक ही रिएक्शन में क्या क्या चेंज हो सकता है ये आपको पता चले, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई यहां पे मेरे पास है, चलो 6 मोल लेते हैं, 6 मोल, ये भी 20 मोल लिए, लेकिन सी और डी भी कुछ प्रेजेंट था, तो ये मेरे पास था 4 मोल पहले से था, और ये मेरे पास था 3 मोल पहले से था। बात समझ में आई? अच्छा, तो अब क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, लिमिटिंग चेक करना है। लिमिटिंग चेक करेंगे, ये आ जाएगा, सबका आ गया। अब मैं बार बार वो नहीं दिखा रहा हूं आपको कि लिमिटिंग कैसे किया, अब क्योंकि हमें दूसरी चीज सीखनी है। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये 6 - 2x बच गया फाइनली, या एट टाइम टी कह लो, किसी भी टाइम पर अगर 2x रिएक्ट किया तो ये 6 - 2x बच गया, x आपने अज्यूम कर लिया, 2x मोल कंज्यूम हो गए, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, 20 - 5x ये कंज्यूम होंगे। बात समझ में आई? अच्छा, और आगे बढ़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 4 पहले से थे और 6x और बन गए, बात समझ में आ रही है, और आगे गए तो ये 3 पहले से थे और x कंज्यूम मतलब प्रोड्यूस होके आ गए, ए और बी के कंजम्पशन से जो भी रिएक्शन हुई उससे जो है आपका एक्स मोल बी बन चुका है। ये समझ में आया, कौन रिएक्टेंट लिमिटिंग स्टेज पे था, ए था, इसको क्या रख देंगे, 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये कितने बचे, 5, हाँ मोल लिखते रहना, 5 बचे, ठीक है। ये कितने हो गए, एक्स की वैल्यू 3 डालो, ये हो गए 22। बात समझ में आई? और ये 3 डालोगे तो ये कितने हो गए, 6। अच्छा, ये 6 नहीं है, 5 है, कुछ गड़बड़ हो गया, ये बेटा 5 है, और एग्जाम्पल हमारा, हमारे पास 10x plus 5y gives you 9z plus 8w, ऐसी कोई रिएक्शन दी हुई है और इसके मोल्स हमें दिए हुए, इनिशियली ये 10 मोल्स हैं और यहाँ पे 18 है, y के 18 है, ये 2 मोल है z के, और w जो है वो 1 मोल है। फाइन, आपको बताना है फाइनली मोल्स क्या होंगे, फाइनली कौन कौन लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे, जो कुछ आपको करना, जो मेथड यूज करना चाहते हैं, यूनिटरी यूज करना चाहते हैं वो कीजिए, और आप एक्स वाला जो मेथड बताया उसको यूज करना चाहते हैं उसको कीजिए, आंसर दोनों से सेम आएगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ओके, तो 10x plus 5y gives you 9z plus 8w, 20 mole, 18 mole, 2 mole, 1 mole, ये आपके इनिशियली गिवन है आपको। सबसे पहले चेक करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, अब देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि 20 by 10 किया तो ये 2 आया और ये 3.6 आया, ठीक है। अब ये कहानी खत्म हो गई, ये कहानी खत्म हो गई बेटा, ये सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करने के लिए थी,
लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास, अब यहाँ पे देखिए ये आपका बचा 20 माइनस 2x, ये आपका बचा 18 माइनस 5x। यहाँ 3.6 मत कर देना, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, इसलिए ये 3.6 आपका गड़बड़ कर रहा था। आया समझ में? अच्छा यहाँ पे आगे क्या हुआ, ये आपका बना 2 प्लस 9x, ऐसे यार है, और ये आपका बना 1 प्लस 8x। ठीक है, अब इसको जीरो रखेंगे क्योंकि ये लिमिटिंग था, ये तो खत्म हो गया। तो यहां से आपकी एक्स की वैल्यू आ गई कितनी? ओहो ओहो ओहो, एक मिनट एक मिनट, 20 माइनस 10x था, ये 10x था। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 2। हाँ ऊपर 10 है बेटा, 10 है, 20 माइनस 10x। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो एक्स की वैल्यू 2 आई। ये वाली चीज लेनी ना, तो यहां पे 2 रखेंगे तो ये 8 आ जाएगा। यहां पे एक्स की वैल्यू 2 रखी तो कितना आया, ये 20 आ गया, और यहां पे 2 रखी तो ये 17, इतने मोल आ गए। बात समझ में आई? हाँ, इसका रोल इसको जो है ना साइड में कहीं करना, नहीं तो ये कंफ्यूज कर देता, जैसे अभी मुझे कर दिया। अब कंफ्यूजन तो किसी से भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि मेरे से गलती नहीं होती। हाँ, और वो आपने लेके कर दी तो आपका आगे की कहानी सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, और मजेदार बात पता है क्या है? मान लीजिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो बोर्ड में तो 2 मार्क्स जाएंगे स्कूल में या बोर्ड में, और कंपटीशन में आएगा 4 नंबर का, और आपने ये टिक कर दिया, कुछ आंसर आ गया, तो 4 तो जाएंगे जाएंगे, एक नेगेटिव भी चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंट लिख लीजिए, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ अ कंपाउंड दैट कम्स फ्रॉम ईच ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ईच ऑफ द एलिमेंट पूरा लिख लीजिए इन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं, तो अभी पहले हमने मोल निकाला था, अब यहां पे भाई मोल वोल नहीं, अब किसके टर्म्स में बात करेंगे, मास के टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे परसेंटेज एलिमेंट, फॉर्मूला भी लिख लीजिए चाहे तो, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम उस मॉलिक्यूल में है, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट। हाँ अभी जरूरत है, बाद में इसकी जरूरत नहीं होती। डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ये हो गया इतना परसेंट आ गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको नोट कीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा एग्जांपल लेते हैं C2H6। जल्दी से मुझे बता दो कि इसमें हाइड्रोजन कितने ग्राम होगी और कार्बन कितने ग्राम होगा, ये सबको पता है। पहला एग्जांपल लिख लीजिए C2H6, क्या है ये नाम पता है, 10th में पढ़ा होगा। 2 कार्बन है तो H, ठीक है, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये इथेन हो गया C2H6, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये पढ़ा होगा आप सबने 10th में। ठीक है, ओके, तो H ये आपका दिख रहा है बेटा, ये 6 ग्राम है। ठीक, और कार्बन कितना है, 12 × 2 यानी 24 ग्राम है। अब आप चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, चाहो तो कॉमन सेंस लगा लो। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं भाई परसेंटेज हाइड्रोजन क्या हो गया, तो टोटल मिला के कितना है, इथेन कितना है, अरे यार यही तो मिला के बना रहे हैं, तो टोटल 30 ग्राम होगा। समझ में आ गया, 30 ग्राम C2H6। तो परसेंटेज हाइड्रोजन क्या कहोगे, 6/30, फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, इनटू 100%। और परसेंटेज कार्बन क्या कहोगे, परसेंटेज कार्बन 24 बाय, अगर दो ही है तो 100 से माइनस करके भी लिख सकते हो, इनटू 100 कर लो,
ठीक है, ये कितना आ गया 20%, और ये कितना आ गया 80%। चेक करो, बिल्कुल बिल्कुल सही भेजा आपने, 20 और 80 आ गया, है ना, आसान है। अच्छा एक एक अब आप करेंगे, ठीक है। हाँ अगला एग्जाम्पल लिखिए, C6H12O6 ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज में आपने बताना है परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑक्सीजन। आराम से कैलकुलेट कीजिए, अलग अलग एलिमेंट का वेट निकालिए, सबको ऐड कीजिए, मॉलिक्यूल का वेट निकालिए और परसेंटेज कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए। अब बेटा अगर आप बात करेंगे तो आपके पास 12 ग्राम कार्बन, सॉरी 6 × 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, और 12 × 1 ग्राम हाइड्रोजन और 6 × 16 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, तो आप कह देंगे 72 ग्राम, यहाँ पे 12 ग्राम और यहाँ पे 96 ग्राम, टोटल कितना आ गया बेटा 180 ग्राम आ गया होगा। तो 180 ग्राम ग्लूकोज में 72 ग्राम कार्बन है, परसेंटेज निकालना, मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है 100 पे, ठीक है, परसेंट है वो, सेंट मींस 100। तो यहां से क्या जाएगा 72/180 × 100%, ये आपका कार्बन हो गया। ओके ये क्या सॉल्व हो जाएगा आराम से, ओके 40% कार्बन आ गया, 40% कार्बन है इसमें, ठीक है। ओके अब क्या आएगा 12/180 × 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/300 जा रहा है, 20/3 हो जाएगा, ये आपका 6.67% ये आ जाएगा आपका। आप चाहें तो सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, थर्ड एलिमेंट को 100 में से माइनस कर लें, बिल्कुल सही बात, तो ये आपका 53.33% आ जाएगा। और आप फॉर्मूला लिखना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें, तो आप 96/180 × 100 भी कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बट जरूरत नहीं होती, दोनों को ऐड करके 100 में से मान लीजिए, माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका आंसर, एक ही आएगा। एम्पीरिकल फॉर्मूला हेडिंग डालिए, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं मोस्ट सिंपलर फॉर्मूला, ठीक है। अब ये सिंपलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई अभी हम बात कर रहे थे C6H12O6, ठीक है। अगर मैं एटम के रेशियो की बात करूं तो यहां पर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, ये है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 6H2O ऐसे, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये मेरे पास क्या था, ये था मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मुझे बताया गया था कि ये, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो उसमें 6 कार्बन होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ा था कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर में वो अटैच है, कार्बन के साथ कहां पे हाइड्रोजन अटैच है, कहां पे ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये जो आपको ये रेशियो दिख रहा है ना, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब आपने क्या किया, उसके रेशियो को, मिनिमम रेशियो जा रहा है वहां पे कट करके ले आए, होने होल नंबर चाहिए, डेसिमल में नहीं आएंगे, क्लियर। अब इसका मतलब क्या है कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH2O इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन के एटम का रेशियो 1, हाइड्रोजन के एटम का रेशियो 2 और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो 1 होगा, ये इतनी इंफॉर्मेशन देता है, समझ में आया। ओके ये हमें ये भी बता देगा कि कितने परसेंट कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैं इसे, मान लीजिए मैंने लिखा आपसे कि C2H4O6
O2। इंपीरिकल फॉर्मूला ये है, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है, टू कर दिया मैंने। तो जनरली क्या हो गया, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इंपीरिकल फॉर्मूला, ब्रैकेट में लिख के एन लिख दूं, एन आपका 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो सबका सेम हो जाएगा, चाहे आप C2H4O2 लिखो, चाहे आप C6H12O6 लिखो, परसेंटेज कंपोजिशन सबका सेम आएगा, ठीक है। ये स्कूल में इस पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा बेटा, जो पहला टेस्ट होगा ना, क्योंकि ये पहले चैप्टर में आएगा तो वहां पे ये चीज आएगी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलिए तो आपको बताते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, यस बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिए पहले आप। तो एक एग्जांपल हमारे पास है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, फाइंड इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। ये हमें कैलकुलेट करना है, और आपको यहां पर हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन का एमयू में मास दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो आप एच को 1, कार्बन को 12 और क्लोरीन को 35.5 ले लेते। अभी आपको ये मेंशन किया गया, तो अब आपको ये लेना है, ठीक। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला काम हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे कि लेट से हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है, एज्यूम वी हैव, भाई परसेंट की बात हो रही है तो सबसे आसान होता है 100 ग्राम एज्यूम कर लो, 100 ग्राम कंपाउंड, ये बात समझ में आई। अगर मेरे पास 100 ग्राम कंपाउंड है, अगर 100 ग्राम है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे पास हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन का वेट क्या आएगा, परसेंटेज दिया हुआ है आपको, तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, जो परसेंटेज है उसको ग्राम में लिख सकते हो, ये बात समझो बेटा। मैंने कहा 4.07% है हाइड्रोजन, तो 100 ग्राम अगर है तो मैं यहां पे सीधे सीधे लिख सकता हूं 4.07 ग्राम। कार्बन को कितना लिख सकता हूं, हाँ कार्बन कितना दिया हुआ है, 24.27 ये दिया, चेक कर लेना एक बार, 24.27। और क्लोरीन कितना दिया हुआ है, 71.65, चेक कर लो क्योंकि मुझे ऊपर देख नहीं रहता, ठीक है ना, हाँ आपके पास लिखा हुआ होगा, ओके यही है, यही है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये मेरे पास वेट आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसके मोल्स निकाल लेता हूं, इसके मोल्स निकाल लो बेटा। पहला स्टेप क्या है, परसेंट, 100 ग्राम एज्यूम किया आपने, वेट निकाल लिया, अब आप इसके मोल निकाल लीजिए, ठीक। तो मोल हमने निकाले, ये अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008, क्योंकि ये दे दिया था एएमयू में, अगर नहीं दिया होता, मान लीजिए 4 ग्राम दिया होता तो 4/1 कट से आंसर आता, ठीक है, ओके। तो ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ये 4.04 आ जाएगा कैलकुलेट होकर। बिल्कुल इसी तरह से 24.27 को आप डिवाइड करेंगे 12.01, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2.02 आ जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह से 71.65 को आप कैलकुलेट करेंगे, ओ ओ ओ ओ ओ, ओ हाँ ठीक है, 35 कितना दिया हुआ है, 453 के साथ, तो ये भी आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.02, ठीक है, बिल्कुल सही। अब अगर आप बात करें तो भाई, अब आपको करना क्या है, जो सबसे छोटे वाले मॉलिक्यूल्स हैं इसको कर दीजिए 1 और इससे सबको डिवाइड कर दीजिए, तो बाय 2.02 बाय 2.02 बाय 2.02, तो यहां पे आपका आ जाएगा 2 1 1,
ये समझ में आया। जो भी आपके कैलकुलेशन में सबसे छोटा नंबर मोल का आया उसे वन एज्यूम कर लीजिए और ऊपर सबको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वो होना किसमें चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। मोल का रेशियो जो है वो होल नंबर, ऐसा नहीं कि 0.5 आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चंस लेंगे, वहां पे देखेंगे कि क्या मतलब है इसका। तो अब आप इसको सीधे सीधे क्या लिखेंगे, सी जो भी रेशियो आया आपका वन एच टू सी एल, ये मेरा हो गया इंपीरिकल फॉर्मूला सबसे छोटे रेशियो में। बस ये ध्यान रखिएगा, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते सी 0.5 एच वन सी एल 0.5, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, सब होल नंबर आएंगे, फाइन, ओके। क्लियर है? अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, एक पॉइंट और बचा हुआ है। अब बेटा हमें क्या दिया हुआ था, इसका मोलर मास दिया हुआ था। अब क्या करेंगे भाई, आप यहां पे रखिए 35.5 प्लस 2 प्लस सी एल, ओ ओ अच्छा ये तो सॉरी 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 सी एल को मैंने आगे लिख दिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैं 35.5, एक्चुअली आप वो ओरिजिनल वाला भी ले सकते हैं, मैं रफली आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। एंड यही तो मेरा मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा। अच्छा नहीं समझ में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा बेटा C1 H2 Cl n टाइम्स, बात समझ में आई? तो जब मुझे मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछा तो मुझे n पता होना चाहिए ना, n कैसे निकलेगा भाई, n इंटू 12 प्लस n इंटू 2 प्लस n इंटू Cl 35.5, अभी मैं वो ले ले रहा हूं जिससे टफ ना पड़े, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 98.96, क्लियर। एक्चुअल में वो 99 ही आ जाएगा पूरा यहाँ पे, क्योंकि वो मैंने डेसिबल वाली वैल्यूज नहीं ली है, तो आप पूरा 99 लोगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। यहां से आप n को बाहर ले लो, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जाएगा 14 प्लस 35.5 दैट इज इक्वल टू 19, और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 2। तो आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H4Cl2, बात समझ में आई, ठीक है। चलिए फिर आज यहां पे कंप्लीट करते हैं।